रास्ते में पैदल चलते हुए और छोटे छोटे मुर्गे के चूजे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे इस कैमरा में अपने वीडियो में इनको सम्मिलित करना चाहिए, जैसा कि मुर्गी जो अपने बच्चों को साथ में लेके उनको चारा चुजा रही, खिला रही है। गांव में इसी तरह मुर्गे पाले जाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ में चारे का आनंद लेते हुए। रास्ते में ये गांव के लोगों ने पाले हुए बकरियां चारा चुगते हुए, और ये जंगल रास्ता अभी हमने हमारा पहला पड़ाव कंप्लीट करने के बाद अब हमने डाउन स्टीप स्टार्ट कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा है आसपास, और ऊपर का जो रास्ता जा रहा है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अप्रोच रोड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू ब्रिज नंबर आई थिंक 43 और टनल नंबर 13 एक्सेट्रा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता हुआ। और ये बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन का समय, हालांकि इस मौसम में सूरज की तपिश काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर भी जब ऐसे रमणीय प्रकृति स्थल में जब घूमने का मौका मिलता है तो गर्मी अपने आप कहीं छुप सी जाती है, गुम सी हो जाती है। ओ, उनको बच्चों को पूछना कहाँ ये नीचे उतरना है, किधर जाना है बच्चों, इधर से नीचे। अच्छा कुत्ता को बांध के रखा है ना नहीं तो जो ये एक मिनट में हमें चारा बना देगा वो। काई जाला गांव के बकरे शायद इसीलिए होगा, तो पाश्चात्य युग में जब काफ़ी पहले ऋषि मुनिया तपस्या यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे ही पुनाकंदरा और विकट और पहाड़ी और हिमालय की ओर जाते थे, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, उनका एकांत जो है वो न टूट सके। सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, हालांकि गर्मी है, फिर भी मुझे इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को ये गांव के छोटे छोटे और नैरो बहुत ही कंजेस्टेड रास्तों के द्वारा पैदल चल के एक अनछुआ अनदेखा जगह तक ले जाने का जो आनंद मुझे मिल रहा है, वो सच में मैं अंदर ही अंदर काफ़ी हर्ष उल्लासित हूँ। तो दोस्तों इस कोरोना काल में मैंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोगों को कुछ एक नया दिखाने की कोशिश किया है, और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको कैसा लगा और इसमें और कुछ कमेंट होने से आप अपना कमेंट दीजिएगा। और जैसा कि मेरे साथ में मेरे टू इंजीनियर कलीग्स भी है, और वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहेंगे। हेलो एवरीवन, आपको इस यूट्यूब चैनल से इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा व्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अगर आगे भी ऐसे देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अभी आपको ये जो आधा हाफ अर्धचंद्रकार यानी कि हाफ आर्च जो दिखाई दे रहा है, ये जैसा कि मैं चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर कौरी के प्रांगण में हूँ, अभी मैं मेरा आज का यात्रा चिनाब दरिया तक जाने का रास्ते के बीच में हूँ, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर और भव्य एक पुल का आधा हिस्सा जो अर्धचंद्रकार के रूप में दिखाई दे रहा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये विश्व का एक ऊंचा पुल ही नहीं, एक भारत का एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, और साथ ही एक इंजीनियरिंग मार्बल और एक कहूँगा तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक अजूबा भी है। काफ़ी मुश्किल है इन रास्तों से नीचे उतरना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। रियली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम डाउन थ्रू दिस वेरी नैरो एंड कंजेस्टेड रोड। हाँ, नीचे चिनाब दरिया इधर से है कि रास्ता कहाँ से है? इधर से उतरना। अच्छा, ओ और सडनली रास्ते में चलते हुए गांव में पाला पालतू कुत्ता अलर्ट हो गया और अपने गुस्सा का इजहार करता हुआ और भौं भौं करके भुगता हुआ हमारे ऊपर अपना गुस्सा दिखाता हुआ। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अच्छा, भैंस भी है। आप लोग भी पंडित लोग हो गए? अच्छा, ये यहाँ पे दो चार घर राजपूत का है ना, नहीं तो पूरा पंडित है। उस पार में क्या है, सिंबल डंगा क्या बोलते हैं, उधर भी पंडित है ना सारे? वहाँ तो गया था मैं, भरतराज शर्मा है ना उसके, वहाँ तो गया था मैं। सच में इन छोटे छोटे रास्तों से कहीं आना जाना एक अपने आप में चैलेंज है। इधर से नीचे सर साइड पूछ।